बिहार से बड़ी खबर आ रही है। सृजन घोटाले में गिरफ्तार आरोपी महेश मंडल की मौत हो गई है। भागलपुर के हॉस्पिटल में आरोपी का इलाज चल रहा था। हर 3 दिन बाद डायलिसिस करवाना पड़ता था और बताया जा रहा है कि कैंसर से भी पीड़ित था आरोपी महेश मंडल। घोटाले के आरोप में महेश मंडल की गिरफ्तारी हुई थी और उसके साथ 10 और लोग गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन आरोपी महेश मंडल की मौत और कई सवाल भी इसके साथ ही खड़े हो रहे हैं। सृजन केस के आरोपी की मौत, बिहार में सृजन घोटाले के गिरफ्तार आरोपी महेश मंडल की मौत हो गई है। भागलपुर के हॉस्पिटल में आरोपी का इलाज चल रहा था। सृजन घोटाला देश का बहुत बड़ा घोटाला है और इनके राज में ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के देखरेख में ये सृजन घोटाला हुआ। जो मिस मनोरमा देवी जो उस एनजीओ की हेड थी, आज तो पेपर में कई तरह के सामने आए हैं कि वो चुनाव हार चुकी थी कोऑपरेटिव भी, फिर भी उसको डायरेक्टर बना के रखा गया। यह जो घटनाक्रम सृजन घोटाला के आरोपी नाजिर महेश मंडल की जो मौत हुई है, वह जो प्राप्त सूचना के अनुसार किडनी की बीमारी थी, डायलिसिस कुछ दिन पहले भी हुआ था। पुलिस ने जांच किया, जब शिकायत मिली तो जेल मैनुअल के अनुसार इलाज कराने की व्यवस्था की जिम्मेवारी सरकार की थी, सरकार ने जिम्मेवारी का निर्वहन किया, उसमें उनकी मौत हो गई। लेकिन उसके पहले तो सारा बयान से लेकर सारे चीज दर्ज हो चुके होंगे, इसलिए जांच की प्रक्रिया में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी।